कहते हैं सरपंच अगर शिक्षित हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करे हो तो उसका फायदा ग्राम पंचायत को मिलता है। आज देश में प्रदेश में कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं जहां अनपढ़ अशिक्षित लोग पैसों की दम पर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और उन गांव का बंटा ढार हो जाता है। बजाय कि जो योजनाएं ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए वो अशिक्षित सरपंच होने की वजह से नहीं मिल पाती। लेकिन आज हम एक ऐसी महिला प्रत्याशी का जिक्र कर रहे हैं जो सरपंच प्रत्याशी है, जिसका शिक्षित होने से गांव में इसकी चर्चा जोरों पर है। यह चर्चा है मध्य प्रदेश के सागर जिले के जयसी नगर की वेरखेरी गोसाई ग्राम पंचायत की, जहाँ की सरपंच प्रत्याशी मोना बीरेंद्र राय एमए की डिग्री हासिल की है और बेहद समझदार महिला है। उनका दावा है कि मेरे पति नहीं, मैं ग्राम पंचायत चलाऊंगी। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले उन्होंने जमकर प्रचार किया। बस इसी बात पर जनता को उनका आशीष मिल रहा है कि वो ग्राम पंचायत चलाएंगे। उनका चुनाव चिन्ह गिलास है। 70 साल हाँ। ये चुनाव में वोट डाल भी हो और जा ही रहे हैं। अच्छा तो कौन कौन रहे हो वोट, कौन कौन बना रहे? मोना है, मोना कुआं जी बहू। बहू काय को चुनाव लड़ रही है? सरपंच जी को। इनको चुनाव चिन्ह का है? गिलास। उम्मीदवार अपने काम का होना चाहिए। अच्छा। काम कराने योग्य होना चाहिए। हाँ। पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा। और लगनशील होना चाहिए। हाँ। जनता के हित के लिए काम करे। अच्छा। कम से कम। कौन है उम्मीदवार? मोना राय। मोना राय जी। ये शिक्षित हैं? जी शिक्षित हैं। पक्का पता? पक्का पता है। और उनके पति वकील हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह गिलास है, क्योंकि उम्मीदवार है और हम लोगों को विश्वास है गाँव में विकास कराएंगे। अच्छा, जो बच्चे शिक्षित नहीं है वो शिक्षा कराएंगे, जो स्कूल नहीं है थोड़ा है वो ज़्यादा कराएंगे। अच्छा। और शादी विवाह में कन्याओं का सहयोग करेंगे। अच्छा। जो उनसे बनेगा। अच्छा। महादेव की जो कृपा होगी। और बेहद शानदार अंदाज में वो अंतिम दिन अपना प्रचार करती नजर आई। उन्हें शिक्षित होने का लाभ भी मिलता दिख रहा है, साथ ही उन्हें इस बात का बेहद समर्थन मिल रहा है कि वो विकास की हर योजना अपनी ग्राम पंचायत में लाएंगी। जैसे गाँव में शिक्षा का बच्चों के लिए मतलब अच्छे से शिक्षा मिले, 5वीं तक है तो यहाँ के सोन में 10वीं तक हो जाए। और गांव में हॉस्पिटल नहीं है, जैसे कोई बच्चे बीमार हो जाते तो उनको हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई जाए, चिकित्सा की। और पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पेयजल का तो यहाँ पे बोर है लोगों के यहाँ, तो पानी भरने कुआं भी जाना पड़ता है, तो पानी की व्यवस्था मतलब घर घर पानी की व्यवस्था हो जाए। यानी आपका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी? जी ठीक। आप क्या नाम लिखती हैं? आप मोना राय। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ग्लास। कैसी उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद है गांव से? गांव से तो उम्मीद है कि जीत जाएंगे और खुद ही ग्राम पंचायत यानी गांव की सरकार चलाएगी। पति ग्राम पंचायत के किसी मामले दखल नहीं देगी, यह उनका दावा है। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस, जय श्री।